वीडियो एडिटिंग क्विज नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विच टूल इज यूज टू एक्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लेयर। ऑप्शन ए क्लोन स्टैम्प टूल, ऑप्शन बी रोटो ब्रश टूल, ऑप्शन सी पुपेट टूल, ऑप्शन डी एलेप्सी टूल। तो जो हमारे पास रोटो ब्रश टूल है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेव कर ले, यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसने पूछा था विच टूल इज़ यूज टू एक्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लेयर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, रोटो ब्रश टूल। सेव कर लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडजस्टिंग ओपेसिटी। ऑप्शन ए मॉडिफाई ऑडियो लेवल, ऑप्शन बी चेंज फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन सी एडजस्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेयर, ऑप्शन डी क्रॉप इमेज। तो ओपेसिटी हमने यूज़ किया है वीडियो एडिटिंग में, आपको बताया कि किसी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी लेयर की उसको एडजस्ट करता है, तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन बनता है, ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सेव कर लेते हैं और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द एक्सपोर्ट विंडो इन Adobe Premiere Pro, विच ऑप्शन इज यूज वाइल एक्सपोर्टिंग मीडिया टू Adobe Media Encoder। ऑप्शन ए एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी क्वी, ऑप्शन सी सेव एज, ऑप्शन डी सेव। तो यहाँ पर हमारे पास क्वी जो है वो सही ऑप्शन होगा सेकंड। सेव करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूज ऑफ पेन टूल। ऑप्शन ए क्रिएट अ मास्क ऑन लेयर, ऑप्शन बी ऐड शेप लेयर, ऑप्शन सी टू ऐड कस्टम मास्क और कस्टम शेप लेयर, ऑप्शन डी ब्लर और अ शेप। तो क्रिएट अ मास्क ऑन अ लेयर नंबर वन पे है, ऐड शेप लेयर है और टू ऐड कस्टम मास्क। तो आप पेन टूल से कस्टम यानी आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी आप उसको कस्टम मास्क लगा सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने मास्क लगाया पहले, वो इसलिए कि मास्किंग भी इससे होती है, लेकिन कस्टम मास्क आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, कस्टम शेप लेयर। तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन, बल्कि एग्जैक्ट सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सेव कर लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In After Effects, you can find your imported footage in option A, Tools Panel, option B, Project Panel, option C, Effect Panel, option D, Animation Panel. तो Project Panel जो है वो हमारे पास इसका correct answer होगा, second B. प्रोजेक्ट पैनल के साथ जाएंगे। सेव कर लेते हैं और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। VFX means ऑप्शन ए विजुअल ट्रांजिशन, ऑप्शन बी विजुअल इफेक्ट्स, ऑप्शन सी विजुअल एनिमेशन, ऑप्शन डी विजुअल फॉर्मेटिंग।
essential requirements for commencing online work include option A, a computer, option B, reliable internet connection, option C, software proficiency, option D, all of the given. तो ये सारे होते हैं कंप्यूटर रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन और सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी ऑल ऑफ द गिवन जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सेव कर लेते हैं और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। VFX इन पोस्ट प्रोडक्शन स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए वीडियो इफेक्ट्स, ऑप्शन बी विजुअल इफेक्ट्स, ऑप्शन सी वर्चुअल इफेक्ट्स, ऑप्शन डी वर्चुअलाइजेशन इफेक्ट्स। तो ये विजुअल इफेक्ट्स इसका पहले भी आया था इस तरह का क्वेश्चन, विजुअल इफेक्ट्स इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि VFX इन पोस्ट प्रोडक्शन स्टैंड्स फॉर द विजुअल इफेक्ट्स। सेव कर लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट फॉर्मेट विच मेंटेन्स द क्वालिटी एंड मिनिमम फाइल साइज इज ऑप्शन ए वी आई, ऑप्शन बी H.264, ऑप्शन सी TIFF, ऑप्शन डी BMP। तो H.264 हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द बेस्ट फॉर्मेट विच मेंटेन द क्वालिटी एंड मिनिमम साइज, AVI तो बहुत छोटा होता है, H.264 ये बेहतर होता है, TIFF BMP भी ये छोटी क्वालिटी होते हैं, लो क्वालिटीज होते हैं, तो ये H.264 ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सेव कर लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the purpose of roto brush tool in After Effects? Option A, adjusting color grading in a video. Option B, creating 3D animations and effects. Option C, selectively isolating and separating foreground elements from the background. Option D, add text and title to a video. तो सी ऑफ ऑप्शन जो है सिलेक्टिवली आइसोलेटिंग एंड सेपरेटिंग, ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रोटो ब्रश टूल का। सेव करते हैं और देखते हैं कि हमने कितने मार्क्स गेन किए हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सेव किया वीडियो एडिटिंग का हमारे पास, ये देखें ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, और ये देखें कि हमने यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 10 थे और 10 में से मैंने 10 मार्क्स ही गेन किए हैं।